किसके ऑफिस में जा रहे हो? मैं चक्कर आ रहा है। मशीन ही खराब कर देंगे। एक हाथ से करो मम्मा। नहीं ढंग से रीड नहीं कर रहा हूँ। नहीं वहीं पे खड़े रहना। हाथ से आगे ऐसे करके जाए। इस रूम में जा सकते हो? वापस आ गए। एक ही फोटो आई थिंक। ओह मम्मी प्रिजनर्स पैसेज भी था जो आप देख रहे हो अभी। ओरे भाई साहब। मम्मी आगे जाते जा रही है। अब तो नीचे आ गए सीढ़ी से। अभी सीढ़ी से ऊपर देखो, देखो वहां पे रेड कलर की डॉट है। क्रीपी। रुक गया। चलो टिकट लेने की क्या जरूरत है, पैसे दे दो मुझे। चलो हो गया। एक मिनट की वीडियो बन गई आपकी ये करते हुए। अब हम जा रहे हैं ऊपर वाले विंग में और वहाँ पर है गार्डन। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आपको हमने यहाँ का दिखाया। अंदर नहीं जा सकते, बाहर से ही देख सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं गार्डन। Yeah.
थैंक यू। वाह वो देखो कितना अच्छा है। दिस इज सिंगापुर। सच बोला हुआ है अगर आप पेड़ काट के बिल्डिंग बनाते हो तो आपको किसी तरह से पेड़ इन्वॉल्व करने हैं उसमें, तो इसलिए रूफटॉप गार्डन। अच्छा आपको ग्रीनरी इन्वॉल्व करनी है हर बिल्डिंग में। ये वाइट क्यों है? दो लोग ऐसे लग रहा था कुश्ती का सीन दिखाया हुआ है। नहीं दो हैं। हाँ कुछ मलखम्ब टाइप हमारे देश का होता भी है ना ये आर्ट फॉर्म। नहीं वही लग रहा है। Well, it's a public space. I'm sorry. Yeah. Let me wrap this here. जाते बनाएंगे कुश्ती का सीन। एक हिंदुस्तानी लेडी ने इसको क्रिएट किया है, शिल्पा गुप्ता ने इसको बनाया है। क्या मटेरियल है पता नहीं। आसपास की बिल्डिंग्स भी देख सकते हो आप इसी बहाने और यहाँ पर क्या क्या बना हुआ है। वाओ कितना असली बनाया है। नेशनल म्यूजियम सिंगापुर। तो इस वीडियो को इन कुश्ती करने वालों के साथ ही खत्म करते हैं और फिर मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में सिंगापुर की दूसरी जगह के साथ।